सो गैस इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरी पड़ेगा जो कि है कैन मास्टर। कैन मास्टर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वो भी पूरा लेटेस्ट वर्जन होगा, तो उसका कैन मास्टर को डाउनलोड कर ओपन कर लेना है और यहाँ से क्रिएट नाउ जो बटन था इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे इस पर क्लिक करके कुछ इस तरह का आपको जो यहाँ पर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको नई प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिंपली इस पर नीचे आना है और यहाँ देखिए आपको इंपोर्ट कैन फाइल का ऑप्शन दिखा देगा। आप देखिए ध्यान से देखिएगा जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो आपके मोबाइल फोन पर गैलरी जो होगा आप यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर डाउनलोडिंग वाला फाइल नहीं खुलता है तो आपको क्या करना है, ऊपर तक यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए कुछ इस तरह का आपको देखिए इस जगह पर दिखेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली डाउनलोडिंग वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करिएगा आपको क्या करना, थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ देखिए आपको जिप फाइल का ऑप्शन दिखाई, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जिप फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जिप फाइल को ओपन करने तो क्या देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको डाउनलोड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपको बोलेगा, तो आप सिंपली देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको। और जो इफेक्ट अगर डाउनलोड किए होंगे तो आपको इस ऑप्शन नहीं देगा, और इफेक्ट अगर डाउनलोड नहीं किए होंगे तो आपको सिंपली जो इफेक्ट डाउनलोड बटन देखिए इस पर क्लिक करना है। तो देखिए एक डाउनलोडिंग होना चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखा देगा, यहाँ देखिए एडिट का जो ऑप्शन दिख रहा है ध्यान से देखिएगा, इस एडिट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एडिट वाला ऑप्शन जैसे क्लिक करते हैं आपको देखिए कैन मास्टर में देखिए आपको खुल जाएगा, ठीक है। ऐसे खुल जाए तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, इसको थोड़ा सा 2 फिंगर से इसको जूम कर लेना, ठीक है। इसको जूम कर लीजिए तो थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ देखिए ब्लैक कलर का इमेज दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है सबसे नीचे वाला ऑप्शन पर, और यहाँ पर रिप्लेस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। रिप्लेस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ देखिए जो कि कैंची का आइकन के ऊपर में दिख रहा है, रिप्लेस वाला ऑप्शन इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो रिप्लेस वाला ऑप्शन जैसे क्लिक करेगा तो आपको जो मोबाइल फोन में जो भी गैलरी होगा यहाँ से खुल जाएगा, तो सिंपली यहाँ से टेम्पलेट को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इस टेम्पलेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, इस टेम्पलेट को यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करना थोड़ा सा नीचे और आइए और एक और ब्लैक कलर का इमेज देखिए इस पर क्लिक करना है, फिर से रिप्लेस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, फिर से डाउनलोडिंग में जाकर फिर से सेकंड वाला टेम्पलेट इसके यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला टेम्पलेट यहाँ से आपको ऐड कर देना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा छोटा करिए तभी टेम्पलेट ऐड होगा, और यहाँ से टेम्पलेट को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपको ऐड कर देना है और ऐड करने में तो क्या करना है, इसको यहाँ से इसको साइज को इसको बढ़ा देना, ठीक है। जैसे बढ़ा दीजिए बस यहाँ तक आपका काम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, वीडियो को पूरा फर्स्ट में जाइए और फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से ब्लैक कलर का इमेज सबसे ऊपर में आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं। देखिए ऊपर में दिख रहा है जो ब्लैक कलर, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करिए और फिर से आपको रिप्लेस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर से डाउनलोडिंग फाइल चल जाना है और यहाँ से आपको वीडियो क्लिप के ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम वीडियो क्लिप के ऐड कर देते हैं, आपको वीडियो क्लिप के ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद क्या करना, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए और यहाँ से एक ब्लैक जो कलर का इमेज इस पर क्लिक करना है, फिर से रिप्लेस वाला ऑप्शन क्लिक करना है और फिर से सेकंड वाला जो वीडियो हम यहाँ से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपको ऐड कर देना है और ऐड करना थोड़ा सा और स्क्रॉल करिए और यहाँ से ब्लैक कलर का इमेज और दिख रहा है, इस पर भी रिप्लेस पर ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ से देखिए वीडियो क्लिप के ऐड कर देना, ठीक है। ये सारा वीडियो क्लिप यहाँ पे ऐड हो चुका है, आपको इसे सब ऐड कर देना और फाइनली जो लास्ट वाला दिख रहा है इस पर भी आपको यहाँ से वीडियो क्लिप को ऐड कर देना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, इसको हम साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तभी वीडियो क्लिप ऐड होगा और यहाँ से आपको रिप्लेस क्लिक करिए और यहाँ से वीडियो क्लिप को ऐड कर देना, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ से ऐड कर दीजिएगा और यहाँ से आपको साइज को इस तरह से बढ़ा देना, ठीक है, बढ़ा दीजिएगा। उसके थोड़ा सा देखिए पूरा यहाँ तक आपका काम हो चुका है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से वीडियो को यहाँ से क्या करना, जो बाकी जो यहाँ से देखिए पार्ट होगा यहाँ से क्या करना है, साउंड को यहाँ से म्यूट कर देना है, बंद कर देना, ठीक है। जितना वीडियो का होगा सारा को साउंड को म्यूट कर देना है, यानी कि इसके अंदर ऑडियो दिया हुआ है और यहाँ से वीडियो को हम प्ले करके दिखा देंगे किस तरह से वीडियो बना है, उसका अगला प्रोसेस आपको बताएंगे। तो आप देख सकते कितना अच्छा कितना बेहतर तरह से वीडियो बन चुका है। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, ठीक है, और नीचे कमेंट जरूर भी करिएगा। और अगर इसको जो क्या करना है, अब लास्ट वाला जो इसको जो पार्ट है इसको हम बताएंगे किस तरह से एडिट करना है। इस वीडियो को क्या करना है, आपको सेव करना, ठीक है। सेव करने के बाद आपको बताता है क्या करना हो, ठीक है। यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं एरो का आइकन पर और यहाँ से रेसिव सेलेक्ट करते हैं, वीडियो को सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो सेव इसको होने दीजिए, उसका अगला प्रोसेस आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों जैसे वीडियो को सेव कर लीजिए, उसका बैक आ जाएंगे, बैक आने क्या करना, फिर से क्रिएट नाउ बटन पर क्लिक करना है और 60:9 रेशियो सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेगा तो आपको मोबाइल फोन में जो भी गैलरी होगा यहाँ पर सारा खुल जाएगा। सिंपली आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना और बैकग्राउंड जो इमेज हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज का आपको सेलेक्ट कर लेना, इसको लेयर को इस तरह से बढ़ा देना, ठीक है। इस तरह से बढ़ा दीजिएगा और बढ़ाने क्या करना है, फिर से आपको लेयर का ऑप्शन, सॉरी वीडियो को फर्स्ट में जाइए और यहाँ से आपको लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ से फोटो फ्रेम आपको ले लेना, ठीक है। तो फोटो फ्रेम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
मिल जाए आपको डाउनलोड कर लेना है और फोटो फ्रेम इस तरह से आपको लगा देना है। लगाने के अगर आपको इस पोजीशन पर इस तरह से लगा दीजिएगा और कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है और इसको लेयर को लास्ट तक कर देना, ठीक है। इसको हम लेयर को लास्ट तक कर देते हैं और फिर से वीडियो को फर्स्ट में जाइए, फिर से लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिए और अभी जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को आपको यहाँ से ले लेना, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहाँ से ले लेते हैं, आपको इसको ले लेना, लेने का क्या करना, आपको इसको इस पोजीशन पर कुछ इस तरह से इसको लगा देना, ठीक है। आपको यहाँ पर लगा दीजिएगा और यहाँ से थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना, ठीक है। इसको हम सेंड टू बैक कर दिए, इसको क्या करना, देखिए यहाँ पर साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम इस तरह से बैकग्राउंड को थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको फ्रेम को भी आपको बढ़ा देना कुछ इस तरह, देखिए आपको लास्ट तक हो जाएगा, ठीक है। जिससे लास्ट तक हो जाएगा तो क्या करना है, इस तरह से देखिए आप यहाँ से वीडियो को प्ले कर देख लीजिएगा लास्ट तक हुआ या नहीं है, इस तरह से आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, वीडियो को पूरा फर्स्ट में देना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया आप क्लिक करना है, फिर से डाउनलोडिंग फॉर्म चल जाना है और उसके बाद देखिए मेरे पास भारत मतला जो PNG है इसके आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दें, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसको साइज को थोड़ा सा क्या करना है, इसको बढ़ा लेना, ठीक है। बढ़ा कर हम इसको इसी पोजिशन पर आपको रहने देना है और इसको क्या करेंगे, लेयर को लास्ट तक कर लेंगे, ठीक है। आपको लेयर को पूरा हम लास्ट तक कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताता है क्या करना है। उसको देखिए चाबी का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसको क्या करना है, आपको 4 सेकंड तक स्क्रॉल करना है, ठीक है। इसको 4 सेकंड आ जाइए और 4 सेकंड आने में क्या करना है, आपको देखिए प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके इस इमेज को फर्स्ट मान जाइए। फर्स्ट मारने से साइज को पूरा छोटा करना है और इसको इस पोजीशन पर आपको लगाना होगा, ठीक है। देख लीजिए आपको इस पोजीशन में इस तरह से यहाँ पर पूरा साइज को छोटा कर दीजिए और इसके अंदर एक एनिमेशन डाल दीजिए, जो पॉप वाला एनिमेशन आपको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ से वीडियो प्ले करिए कुछ इस तरह करके, आपको यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है, इस तरह से करने तक हम साउंड को कम कर देते हैं, इस तरह से आपको कर लेना है। करने में क्या करना है, आपको फिर से 4 सेकंड पर जाइए और 4 सेकंड पर आने में क्या करना, फिर से लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिए, फिर से डाउनलोडिंग फॉर्म चल जाना। उसको देखिए मेरे पास लड़के वाला इमेज, इसको आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको हम क्या करेंगे, साइज को बड़ा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके इसको इस पोजीशन पर आपको यहाँ पर लगा देना, ठीक है। कुछ इस तरह से लगा देना, उसका लेयर को हम पूरा लास्ट तक कर देंगे, आपको भी लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना। उसका फिर से चलाना इस पोजीशन पर और जाना आपको एनिमेशन के अंदर और स्लाइड राइट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करिए। इसको रेशियो का आपको क्या करना है, 2 सेकंड कर देना, ठीक है। इसको 2 सेकंड कर देना आपको और उसका फिर से 2 सेकंड स्क्रॉल कर लेना कि 7 सेकंड पर आ जाइए और फिर से आपको यहाँ से देखिए आपको लेयर का ऑप्शन क्लिक करिए, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करिए, फिर से डाउनलोडिंग फॉर्म चल जाइए और उसका देखिए मेरे पास फ्लावर वाला जो PNG है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिले, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका साइज को पूरा छोटा करना है और छोटा करके हम इसको क्या करेंगे, इस पोजिशन पर ले आएंगे, ठीक है। आपको इस पोजिशन पर ले आना है और इस तरह से साइज को थोड़ा छोटा कर देना है। उसका जाना आपको ओवर एनिमेशन के अंदर और फोल्डिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, इसको क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ सबको ओके कर देना, ओके कर दीजिएगा। कुछ इस तरह से यहाँ तक का वीडियो बन जाएगा। अब क्या करना, वीडियो को पूरा फर्स्ट में जाना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया आप क्लिक करना है, फिर से डाउनलोडिंग फॉर्म चल जाना है और उसका देखिए मेरे पास एक बॉर्डर PNG फ्लावर वाला है, इसको मैं से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिले, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसको साइज क्या कैसे सब बड़ा कर देंगे, पूरा डिस्प्ले पर फुल कर देंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ठीक है। आपको नीचे कर देना है इस पोजीशन पर, इसको लेयर को हम पूरा लास्ट तक कर लेंगे, ठीक है। आपको भी लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना है और लेयर को लास्ट तक करके इस तरह से आपको लगा देना, ठीक है। लगाने के कारण फिर से वीडियो को फर्स्ट में जाइए और आपको लेयर क्लिक करना है, मीडिया आप क्लिक करना है, फिर से डाउनलोडिंग फॉर्म चल जाना है और उसका देखिए मेरे पास यहाँ बांस वाला जो PNG इमेज उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको साइज को कुछ इस तरह से इसको बड़ा कर देना है, कुछ इस तरह से यहाँ पर बड़ा हो जाएगा और बड़ा करने के आपको 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको सेंड टू बैक कर देना, ठीक है। बैक कर दीजिएगा और इसको भी लेयर को पूरा हम लास्ट तक कर देते हैं, तो आपको लेयर को पूरा हम लास्ट तक कर देना है और लेयर को लास्ट तक करने के इसको साइज को अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पर एडजस्ट होना चाहिए तभी देखने में और बेहतरीन और अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना, ठीक है। इसके अंदर भी एनिमेशन डाल दीजिए, जो कि जाना आपको एनिमेशन स्लाइड वाला लेफ्ट ऑप्शन पर क्लिक करना, ठीक। क्लिक कर दीजिए, आपका देखिए वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, यहाँ से वीडियो को प्ले करके किसी से वीडियो बनाए। अब जैसे ना कितना अच्छा कितना बेहतरीन से वीडियो बन चुका है, वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल दे ताकि वीडियो डालता है नोटिफिकेशन मिल जाए। डिस्प्ले पर और वीडियो शो करा किसी वीडियो क्लिक वीडियो देख सकते हैं, अगले वीडियो में साथ धन्यवाद।